तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं विकास सिंह जी, उनका एक कमेंट आया था कि उनकी छत से जो है पानी टपक रहा है, तो उसकी वाटरप्रूफिंग के लिए उन्होंने कहा कि सर कुछ बताइए। तो ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये छत की वाटरप्रूफिंग, जिनके भी घरों से पानी टपक रहा होता है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका मेन रीज़न क्या होता है, पानी जो टपकता है आपके छतों से। सबसे पहले आपको समझना होगा जो लीकेज होता है वो बेसिकली हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, या तो क्रैक से लीकेज हो रहा होगा या तो विदाउट क्रैक। अब विदाउट क्रैक वाला क्या होगा वो मैं अभी बताऊंगा, पहले आप क्रैक से समझिए। देखिए, ऐसी जगह जहां पर क्रैक जनरेट हो जाता है, ठीक है, तो वहां से क्या होने लगता है, लीकेज होने लगता है। अब ये क्रैक जो होता है, या तो जब पुरानी छत को और नई छत को जोड़ा जाता है नहीं जाता, वो वहाँ पर अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, दोनों स्लैब, नई स्लैब और पुरानी स्लैब के बीच में, तब वहाँ पर एक क्रैक जनरेट हो जाता है और बाद में वहीं से लीकेज स्टार्ट हो जाता है। पुरानी स्लैब और नई स्लैब को कैसे जोड़ना है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जा करके देख सकते हैं आप, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, एक और तरीका होता है जिससे क्रैक डेवलप हो जाता है, जैसे कोल्ड ज्वाइंट क्रैक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक सेगमेंट में हमने कंक्रीट डलवाया और दूसरा कंक्रीट आने में या बनने में किसी वजह से लेट हो जाता है, तो पहले वाला जो कंक्रीट का सेगमेंट था वो सूख गया और दूसरा जब आप उस पर अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, वहाँ पर कोल्ड ज्वाइंट बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं कोल्ड ज्वाइंट। इसलिए हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी छत की आपकी ढलैया स्टार्ट हो तो रुकना नहीं चाहिए जब तक कि पूरा छत जो है कास्टिंग नहीं हो जाता, नहीं तो कोल्ड ज्वाइंट फॉर्म हो जाएगा, फिर वहाँ से लीकेज होना ही होना है। और जो थर्ड है, मेजर है, ये क्या होता है कि जब आपकी छत की ढलैया करवा देते हो उसके बाद प्रॉपर तरीके से क्योरिंग नहीं करते हो आप, क्योरिंग का मीन तराई नहीं करते हो। देखिए, तराई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि छत में जो सीमेंट यूज किया जाता है या सीमेंट जहाँ पर भी आप यूज करते हैं वहाँ पर आप तराई करवाते हो, ये आपको पता है, ठीक है ना। जब तराई नहीं कराई जाती है, सीमेंट से क्या होता है, सीमेंट में जैसे ही पानी मिलाते हैं उसमें जो है एक हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होता है, मीन्स एक रिएक्शन होती है जिसमें हीट निकलती है, ठीक है ना। और जब भी हीट निकलती है तो क्या होता है, सीमेंट जो भी पेस्ट होगा आपका, कंक्रीट होगा, वो सिकुड़ेगा, श्रिंकेज होगा। तो जब सिकुड़ने की प्रोसेस होता है तो क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं जिससे बाद में लीकेज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जो नेक्स्ट है वो है विदाउट क्रैक। अब ये आप कहेंगे कि विदाउट क्रैक कैसे हो सकता है लीकेज, इसके लिए आपको समझना होगा कि देखिए, जो भी मटेरियल आप यूज करते हैं घर के छत की ढलाई में वो क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं होगी, तो उसका जो भी आप छत डालेंगे उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि जो भी सीमेंट आप मंगाएं हमेशा PCC या PSC सीमेंट ही यूज करना चाहिए छत की ढलाई में। जो भी आप सैंड यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से चेक कर लीजिए, ठीक है। कैसे चेक करते हैं इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और जो एग्रीगेट आप मंगा रहे हैं उसकी भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं, मान लीजिए मटेरियल तो बहुत अच्छा है लेकिन आपने उसको प्रॉपर मिक्स ही नहीं किया, जितनी क्वांटिटी में एक दूसरे को यूज करना चाहिए तो उसको यूज नहीं किया, तो हमेशा यह ध्यान रखिएगा, घर आप बनवा रहे हैं तो आपको हमेशा M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज करना चाहिए, चाहे छत में, चाहे बीम में, चाहे कॉलम में। तो M20 का मतलब क्या होता है कि एक रेशियो होता है 1:1.5 और 3, मतलब 1:1.5:3। इसका मतलब हुआ कि एक पार्ट आपको सीमेंट यूज करना है, डेढ़ पार्ट आपको क्या यूज करना है, सैंड, और 3 पार्ट आपको एग्रीगेट या गिट्टी जिसको बोलते हो आप, ठीक है। और 40% आपको वाटर यूज करना है। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा वाटर भी नहीं डाला जाता है, ठीक है। तो इनको सबको एक अच्छे प्रपोर्शन में मिलाया जाता है। और एक चीज़, हम एडमिक्चर यूज करते हैं, काफ़ी लोग ये चीज़ नहीं यूज करते हैं, एक वाटरप्रूफिंग एडमिक्चर आपको यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो छत होगी वो ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही वाटरप्रूफ बन जाएगी। इसके लिए आप डॉक्टर फिक्सिट का LW+ यूज कर सकते हैं, 200 ml यूज करना है आपको एक बैग सीमेंट में, जितना भी बैग सीमेंट लगने वाला है आपकी छत की ढलाई में उसको आप देख लीजिए, पहले से काउंट करवा लीजिए, उसके बाद 200 ml से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर उतने लीटर या उतने ml जो भी हो आता है उतना आप डॉक्टर फिक्सिट LW+ जरूर मिलवाइएगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको वाइब्रेशन वाली बात है कि जैसे वाइब्रेटर होता है उसको यूज प्रॉपर यूज करवाइएगा छत की ढलाई में, कहीं पर भी एयर वॉइड्स, कहीं पर एयर पैकेट्स नहीं रहने चाहिए, हवा नहीं रहनी चाहिए, कहने का मतलब अच्छे से वाइब्रेट करवाएंगे आप तो क्या होगा कि जितने एयर बबल होंगे वो बाहर निकल आएंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि थिकनेस ऑफ स्लैब आप बहुत कम मत करवाइएगा,
मिनिमम 125 mm लगभग, ठीक है। तो ये तो मैंने बात कर लिया कितनी वजहें हैं या कितने कारण हैं, कितने रीजंस हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके कमेंट को लेकर के। देखिए अब मैं पूरे छत की वाटरप्रूफिंग की बात करूँगा। इसमें आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको जाना है छत पर और विजुअल इंस्पेक्शन करना है। उसमें क्या करेंगे, आप कि जा करके छत पर जितने भी क्रैक्स आपको दिख रहे होंगे उनको पहले मार्क कर लेना है, देख लेना है, फिर उन क्रैक्स का ट्रीटमेंट करना है। उसको क्या करना है, उसके लिए जहाँ भी क्रैक्स दिखेंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप 2 inches तक चिपिंग करवाएंगे, मतलब छेनी हथौड़ी से कटवा देंगे। उसके बाद प्रॉपर तरीके से वायर ब्रश से अच्छे से उसको साफ़ कर लेना है, कोई भी डस्ट नहीं रहना चाहिए वहाँ पर, मिट्टी नहीं होनी चाहिए। फिर पानी से अच्छे से धुलवा लीजिए। उसके बाद आप क्या करोगे, डॉक्टर फिक्सिट का आता है पेडिक्रीट, यहाँ पर आपको फ़ोटो दिख रहा होगा। इसमें क्या करेंगे आप, इसको प्योर यही लेंगे, उसके बाद इसको लीकेज पे जहाँ है 2 coats लगाएंगे। पहला कोट जब लगाएंगे उसके 4 से 5 घंटे बाद दूसरा कोट लगाएंगे। जिस डायरेक्शन में पहला कोट लगाएंगे उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन या 90 डिग्री पर आप क्या करेंगे, दूसरा कोट लगाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सीधा लगा लिए फिर एक खड़ा खड़ा लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया, वो तो हमने क्रैक का ट्रीटमेंट कर दिया। अब पूरे छत का ट्रीटमेंट के लिए क्या करना होगा, पूरे छत को अच्छे से रफ करना है। रफ का मतलब होता है कि खुरदुरा करना है ताकि बॉन्डिंग अच्छे से बन सके, ठीक है। फिर प्रेशर्ड वाटर से अच्छे तरीके से साफ़ करना है। प्रेशर्ड वाटर मतलब जैसे पाइप के पानी से अच्छे से प्रेशर के साथ आपको पूरे छत को साफ़ करना है, फिर सूखने देना है। जब तक प्रॉपर सूख नहीं जाएगा तब तक हम दूसरी कोई भी काम उस पर नहीं। अब आपको मिक्सचर तैयार करना है। मिक्सचर में आपको क्या लेना है, एक पार्ट URP लेना है पेडिक्रीट का और 1.5 parts आपको सीमेंट लेना है। सीमेंट में आप PPC सीमेंट यूज करेंगे। इस दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, पानी नहीं डालना है इस पर आपको, ठीक ना। दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक कोट आपको एक डायरेक्शन में लगा देना है पूरी छत पर, ठीक ना। फिर लगभग 12 घंटे तक इसको ड्राई होने के लिए आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको दूसरा कोट सेम मिक्सचर का तैयार करके उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में आपने पहला कोट किया था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है, फिर दूसरा कोट अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका एक वाटरप्रूफिंग का परफेक्ट सोल्यूशन। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको एंगल्ड फिलर लगाना होगा, एंगल्ड या राउंड फिलिंग बोलते हैं उसको। इसमें आपको मोल्टार तैयार करना होगा, जैसे कि आप तैयार करते हो मोल्टार मसाला तैयार करते हो, तो 1/3 का मसाला लीजिएगा और 10% आप उसमें का डाल दीजिएगा URP, ठीक है। एक प्रॉपर मिक्स तैयार करिए और उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। फिर मसालों को क्या करना है, एंगल्ड फिलिंग कर देना है चारों तरफ, पैरापेट वॉल और जहाँ छत मिलती है उनको अच्छे से राउंडिंग करा देना है, जिससे पानी अब वहाँ पर रुकेगा नहीं, ठीक है। और ये जो तरीका है एकदम किफ़ायती तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग आप मान के चलिए 13-14 rupees या 15 rupees स्क्वायर फिट ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये पड़ने वाला है तरीका आपको। तो आप काउंट कर सकते हैं पूरे छत के लिए कितना लगेगा, जितनी भी बड़ी आपकी छत होगी या जहाँ से भी लीकेज हो रहा होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।